कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज। गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भी फरमान कर देने, कहूं जच गंधर्व उरग कहूं विद्याधर, कहूं भय किनर पिसाच कहूं प्रेत। हे प्रभु, तेरी दुनिया किधरे प्रेत ने, किधरे भूत ने, किधरे पिसाच ने, जिन्हों का जन्म नहीं भटक देने। देवत्यां दा भी छेती जन्म नहीं, बड़ा नाम जपया, बड़ी बंदगी की, थोड़ा जिहा पेंडा रहा, शरीर का अंत हो गया। ऐसे मनुख का जल्दी जन्म नहीं होगा, क्योंकि जितनी पवित्रता उहदे कोल है, जितना ज्ञान उहदे कोल है, जितना रस उहदे कोल रब्बी है, उस तरह की कोई मां चाहिए। हर मां उसनों जन्म नहीं दे सकती। ये देवते अक्सर गुरुद्वारों च आउंदे ने, मंदिरों च आउंदे ने, दरगाहों च आउंदे ने। किसी वक्त मैं थानू चश्मदीद वाके वाके जी किधरे गल बनी ते दसांगा जो मैं इस तरह दे देखे। जिथे सत्संग हो रहा हो, रब का नाम जपिया जा रहा हो, देवते होंगे ने, उन्हां करके वाइब्रेशन भी अच्छी बन जाती। निराकार स्वरूप है उन्हां दा, हवा है कि जिहड़ा उन्हां देवत्यां नूं देख सकदा है निराकार नूं, उन्हूं कहिंदे ने इहदे कोल देव दृष्टि है, देव दृष्टि, वेखण वाली दृष्टि। और इस तरह के पुरुष भी मैं देखे ने जो वेख सकते हैं इस तरह। भूत प्रेत जो अत्यंत मलीन है, यह शराबखाने आते हैं, जुएखाने आते, वैश्यालिया आते ने भी, क्योंकि इन्हों का रस उत्थे बनता है। जितने चिर तक इन्हों का जन्म नहीं आता, यह माड़िया थावां ते रहणगे। जिन्ने चिर तक देवत्यां का जन्म नहीं आता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों च रहणगे। थोड़े नेड़े ही है हजूर साहब, कम से कम 15 साल तक लंगर दे हुण भी बरांडे च पिया है, एक ड्रम वजदा रहा अपने आप बड़े जोर नाल। कोई सेवादार होना है, नाम जपिया होना है, सेवा भी बहुत कीती होनी, मुक्ति नहीं हुई होनी, पर अंदर ममता सेवा करन दी तो रहिंदा उत्थे सी। जदों लंगर खोल दा समा हुंदा सी, उदों भी ड्रम वजदा सी। मैं सचखंड साहब कथा करके एकदम चल पैंदा सी सुनन नूं, क्योंकि मैनू जद किसे ने दसिया, तर्क बुद्धि होण करके मैं मंदा नहीं सी। मैनू कहण लगे फिर दूर दी गल थोड़ी है, अज की सचखंड जाए उहदे सुन ले। 8:30 बजे कथा की समाप्ति तो बाद जो मैं चलन लगा, पुजारी साहब ने मेरी बांह पकड़ी, भी गल की है, क्यों नसदे हो? मैं कहो करिश्मा मैं देखना, जरा मैं अपनी तसली कर लवां। नाल मेरे भाई कल्याण सिंह होर रागी सिंह असी पहुंचे, उहदे संगतां पहले दियां बैठियां होईयां सन सुनन वास्ते। वाकई वज पिया 9:30 दे करीब, हैरानगी हुई मैनूं, और बड़ा जोर दा वजिया जिवें तोप दे धमाके। फिर तो मैं रोज जाण लग पिया, 8 दिन मैं उत्थे कथा करनी सी, मैं 8 दिन गया। अदकी जद मैं हुण होके आया, हुण वजना बंद हो गया, मैं कि जन्म हो गया इहदा किधरे। ये जितना पवित्र सी उस तरह की मां मिल गई इहनूं, इस तरह का संयोग बन गया उसका, हुण नहीं वजदा, पर ड्रम रखिया होया अजे भी निशानी च। इस तरह के देवते लोग, देवता कहिंदे जिन्हां दा दीवा जलिया होया, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों च आउंदे ने, दरगाहां च आउंदे ने, इन्हां नूं सुकून उत्थे मिलदा है। वो जिहड़ा पेंडा रहिंदा है, वो अगला जन्म होके ही पेंडा तय होगा। तो देवत्यां नूं उड़ीक करनी पैंदी है, जन्म की गुरबाणी कहिंदी इस दे ही को सिमरे देव, देवते तरसते ने ते देही मिले। मनुख ही मुक्त हो सकदा, पशु नहीं हो सकदे, भूत नहीं हो सकदे, और देवते भी नहीं हो सकदे, मनुख हो सकदा। इस वास्ते बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट, बड़ा कीमती बोल है उसका, बनाया ऐ जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मनुख तो उच्चा और कोई भी नहीं है। बनाया ऐ जफर खालिक ने कब इंसान से बढ़कर, मलिक को देव को जिन को परी को हूरे गिलमा को। ये सारे मनुख तो थल्ले ने, देवते फरिश्ते हूर गिलमा सब थल्ले ने, मनुख सब तो अफजल है। क्यों? मनुख खुदा होने की संभावना रखता है,
पशु नहीं रखते। देवत्यां नूं भी मनुख बनना पएगा, भूतां नूं भी मनुख बनना पएगा, पशुआं नूं प्रकृति मनुख बना ही रही है। मनुख ही ऐसा द्वार है कि परमात्मा तक पहुंच सकता है, बाकी नहीं।